अभी आ गए हम लोग अंदर में, चलो तो चलिए देखते हैं, आप सबको दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा हमारा घर लगता है। तो काजल यहाँ पे कूची बीन रही है, आई मीन झाड़ू बीन रही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। नंबे चैन स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत कल के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा आराम है, तो मैं इस ब्लॉग को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और करीब अभी शाम का बज रहा है, 4 बज रहा है। और काजल यहाँ पे कूची बीन रही है, आई मीन झाड़ू बीन रही है। हाथों से बनाया गया झाड़ू से कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है झाड़ू लगाने में। इससे अभी नहीं बन रहा ना, इसको सुखा के फिर बनाएंगे, इसलिए नहीं बना पा रहे। तो चलिए आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहे। और कल देख सकते हैं, कल बारिश हुआ तो पूरा रोड ऐसे हो गया है कुछ, और मिट्टी भी इस तरह का हो गया। अभी चलेंगे नए वाले घर में, उससे पहले जा रहे हैं सब्जी लाने, क्योंकि सब्जी नहीं है घर में। सर फूल, ये फूल है, ये तो डंडा है, ऐसे ही लगाया जाता है, अड़हुल का फूल है। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। बेटा क्या कर रही हो? हमको बहुत मन होता है दोस्तों पेड़ पर, मन कर रहा है अमरूद का पेड़ लगाने के, लेकिन ये इंसान नहीं लगाने दे रहे हमको। तो अभी कैसे लगाएंगे? अभी मिट्टी उट्टी डल जाएगा ना इसमें, तो लगाने में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो अभी मेरे जितना मेरा हाइट है ना, 5 फुट 4 इंच, उतना तो मिट्टी डलेगा पूरा नीचे। तो आपका अड़हुल का फूल या फिर कोई भी पेड़ वो तो नीचे आ जाएगा, थोड़ा डाउन मिट्टी ना रहे क्या? नहीं रहेगा क्या? इधर डाउन नहीं रहेगा, जल्दी क्या है, अगला साल मिट्टी डल जाएगा, फिर लगा लेना। प्रिंस आया था, कहाँ गया? तो चलिए दोस्तों, इस चीज का झाड़ू बन रहा देख सकते हैं। और एक चीज का हम निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, कि हमारा फेसबुक पेज बन चुका है। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी का पेज, तो वहाँ पे आप लोग जाके प्लीज हमें फॉलो कर लीजिएगा, कुछ कुछ सपोर्ट वहाँ भी कीजिए। और ये हम फर्स्ट टाइम इसमें रिवील कर रहे हैं फेसबुक पेज के लिए, तो आप लोग जाके वैसे फॉलो कर लीजिएगा। छोटा छोटा मिनी व्लॉग्स भी वहाँ पे डालते हैं हम लोग, और बाकी व्लॉग तो आता भी है। हाँ, जो मिनी व्लॉग यहाँ पे नहीं देख पाते हैं, बाकी व्लॉग यहीं देखिएगा, बस मिनी व्लॉग के लिए हम बोल रहे हैं। अभी दोस्तों धूप का जो प्रकाश पड़ रहा है ना, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है ना, मतलब आँख एकदम वो हो जाता है, खुला ही नहीं जाता। और शाम के टाइम में क्या ही प्यारा मस्त लगता है हमारा छोटा सा आसियाना, जो कि अभी काजल जाएगी झाड़ू लगाने। लगा दो प्लीज, अभी नहीं, अभी पूरा ब्राइटनेस उधर ही लगाएंगे तो पूरा लगाएंगे। हाँ, तो पूरा झाड़ू में लग जाता है ना, तो शाम के टाइम में इतना सुहावन लगता है ना घर हमारा, मतलब क्या ही बता सकते हैं। और नए वाले घर में अभी बॉक्स बजा के गाना मस्त सुन रहे थे जी। तो चलिए अभी कुदारी नए वाला घर में होगा। मेरी महबूब कहाँ जाता रू छोड़ के, नहीं जाओ नहीं जाओ। तो दोस्तों अभी क्या है ना, मेरा बाइक का जो लाइट है ना, वो इधर से देखिए निकल के यहाँ गिर चुका है, ये वाला वाइट वाला जो लाइट दिख रहा है। तो अभी अनुज पेचकस लाया, खोल रहा है, और अभी हम दोनों ही बनाएंगे इसको, क्योंकि रात में क्या है ना, रात में सबका तबीयत खराब चल रहा है इस टाइम, किसको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए खोल के बना था। यूआर सलो ना निकली यूनिक, तो चलिए चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और ये दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, एंड अभी सुबह सुबह हो गया है, और सुबह सुबह ही मेरे को मिला है ब्लैक टी, ये देख सकते हैं। और मानसी बेटा भी उठ गई है, क्या कर तो क्या होता जो देते, इतना गर्म है दोस्तों, अभी पोछा वोछा करके सारा कुछ कर लिया, खाना बनाएंगे, दाल चावल भुजिया रोटी। तो बेटा आप बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोपरी बोपरी देखो देखो, बहुत दिक्कत हो रहा है बेटा जी को सोने में, दाब दे रहे हैं मानसिक पापा, एक हाथ ऐसे फेंकते हैं कि पूरा हमारा सांस रुक जाए। आज से खटिया लगा, तो डरवा डाल रहे हो सांप आया है। हम घर में सांप घुसा था इसलिए हम नहीं सुनने देते थे बिना मच्छरदानी के। सुबह में तो बढ़िया मौसम हुआ था, लेकिन अभी धूप निकल गया है, देख सकते इधर से बकरियां सब आ रही हैं। अरे हाइल हाइल हाइल, काजल का लगाया हुआ ये सब्जी बड़ी जल्दी खा जाती है। कभी कभी बादल आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी एकदम फुल ब्राइटनेस हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। चलिए तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है, और दिन में मैं चला गया था, बाइक में कुछ प्रॉब्लम था इस वजह से सही कराने, और अभी आया तो देखा मानसी यही है, काजल भी यही है, दोनों लोग चमका रहा है। क्या बेटा चमका रहा है? चमका रहा है गाड़ी। हाँ, देखो।
हाँ देखो क्या कर रहे थे खजान? सारा घर का काम कर रही थी अकेले। और मैं अपने डांट दिया था। बेटा को डांटी थी मामा ने? मैं धूप में कपड़ा धो रही थी तो पीछे पीछे डोल रही थी, इसलिए मानसी सो गई थी ना। डांट सुना देती बेटा जी को। इधर देखो कैसे डांटा था। जाओ सो जाओ ऐसे, इसलिए आप सो गई थी। तो आप पापा की आवाज सुन के उठ गई। वाह इधर देख के बोलो। क्या प्रैंक था? आप प्रैंक भी करती हो? तो फ्रेंड अभी ना शाम का मौसम हुआ है, क्या ही प्यारा मौसम हुआ है देख। और अभी हम लोग अरे ताला वो मार देना। और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो आप लोग बने रहिए और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं को, बहुत जरूरी मतलब चीज लेना है। तो चलिए बने रहिए, दिखाते हैं आप सबको। और मानसी पापा भी गेट में तल्ला लगा रहे हैं। पीले हाँ हाँ पानी पीने जा रहे, भर के रखी हूँ मैं, जग में भर के रखी हूँ। तो मैं पानी हमेशा ही भर के रखती हूँ। और मानसी पापा आते हैं फिर चलते हैं सब। देखिए दोस्तों कैसे चाबी रखने के लिए आपको डांट रहा है। हम कब डरने का जवाब। देखिए ऐसे झूठ बोलते हैं। देखिए दोस्तों कैसे झूठ बोलती है। देखिए दोस्तों कैसे इल्जाम लगा रही है। मानसिक पापा हमारा न्यू बाइक पे बैठने जा रहे हैं ना। तू ना बैठ। हम भी बैठेंगे, आप पहले घुमाइए तो सही। माही तो डगमगाते सब लोग आ रहे हैं। लगा वाले में लाइट ही आ जाइए, पुलिस अंकल पकड़ लेंगे। फिर जाएगा सीधे 5,000। नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, ये कहीं दूर लेके जाते ही नहीं है। दूर जाते हैं तो तार छुड़ा देते हैं। बस गांव में ही ऐसे करते ही रिवाजी जनाते ही है आदमी। बैठो बैठो अभी फिर जा रहे हैं। और देखिए कैसा रोड बना है, अब अच्छा लग रहा है। मतलब कि गाड़ियों में रिपेयरिंग हुआ है, बस मतलब जहाँ जहाँ खराब हुआ है ना वहाँ का मतलब बन गया है, देख सकते हैं। उस पर घास काट कर के रख दी, अच्छा लग रहा है, सुंदर। अभी आ गए हम लोग 99 मार्केट, यहाँ से कुछ लेना है हमें अंदर में, चलो। और उधर रोड रिपेयरिंग हो रहा था तो टायर में भी फंस जा रहा था। अब इधर से खुरहुरी पकड़ के जाएंगे, इधर से खेतों के बीचे बीचे एक रास्ता है पतला सा, उधर से ही जाएंगे। तो चलिए लेते हैं, क्या लेना है वो आपको दिखाते हैं। और उस चीज़ का बहुत भी ज़रूरत भी था ना। चलिए सभी लोग देख रहे थे क्या हो रहा है यहाँ पे, सारी चीज़ें 99 रुपीज़ में ही मिल जाती है ना। ये बर्तन में से कुछ भी ले लो, मतलब सेट सेट भी मिलता है। हाँ सेट, ये देखिए सारा कुछ 99 का ही मिलता है। और आराम से शीशा देख ले, ले लो का लेना है जल्दी से। ऐसे दिख रहा, तो चलिए देखते हैं आप सबको दिखाते हैं के बाद क्या लेना है, ढूंढ लेते हैं उसमें से। सही है। अरे हम देख रहे हैं कौन सा लोगे, प्लास्टिक वाला कि एथी वाला, शीशा वाला? शीशा वाला नहीं, वही मिट्टी वाला होता है ना, मिट्टी का ही होता है, वो सही रहता है। इधर मतलब सारे चीज़ें कपड़े में भी ना 99 रुपीज़ का ही मिलता है, कपड़े वपड़े कुछ भी ले लो। मतलब ये कप का पूरा सेट मिलेगा 99 में, 99 रुपये का। और इसमें आएगा 6 कप है ना, 6 या 8 आएगा, देखते हैं जो अच्छा लगेगा। ये काफ़ी बेटर हो जाता है घर की, जैसे घर के किचन का चीज़ें लेते लेने में ना ये काफ़ी सस्ता हो जाता है ना। सारी सेट कोई भी ले लो 99 रुपीज़ का, तो मज़ा यहीं से लेते हैं ज़्यादातर हम लोग। ये देखिए ये पूरे कप जितने भी हैं 6 है ना, ये कितना से स्टील का, कुछ अंदर से स्टील है बाहर प्लास्टिक। ये 6 कप है, ये भी 99 का ही मिलेगा टोटल। इसमें तो एक बार पी चुके हैं, ये वाला लेकिन काफ़ी बढ़िया था। कितना भी गर्म चाय डाल दो तो बाहर से एकदम ठंडा ही रहता है, बाहर से मतलब गर्म नहीं लगता था हाथ में पकड़ के जैसे। इसमें 12 है ना, 4 तीन 12 नीचे वाले में, 12 कप है, ये भी 99 रुपये का ही है। यही ले लो, ज़्यादा है और अच्छा भी है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अच्छा स्टील वाला बोतल जो है ये भी 99 का ही है। ये क्या है, मसाला रखने का डिब्बा ले रहा है पूरा बड़ा वाला, इतना बड़ा मिक्स का सब रख दो। कितना ज्यादा ज्यादा मसाला, तो एक ही लोगे इसमें से? इसमें अंदर है क्या? अच्छा है, चार पीस है। हाँ तो फिर ठीक है ले लो, चार पीस है, ये भी 99। मैं ऐसा लग रहा प्रचार कर रहा हूँ ना। नहीं ना, अच्छा अच्छा बेड भी 99 का है।
मतलब लेने का मन तो सब सारा करता है, लेकिन इतना ज़्यादा लेने नहीं, जो यूज का है वो चीज़ लेंगे किचन के लिए। कपड़ा देख रही है काज, कपड़ा मतलब जौन लेवा लो तो नहीं लेना, अच्छा लगा है। तीन चीज़ें लिए हैं, एक ये हो गया कप जिसमें 12 पीस है, और एक नीचे ये ले लिया है चटाई जो कि छत पे कभी कभी बिछा कर अपना बैठेंगे ना, और एक ये डिब्बा लिया है मसाला रखने के लिए, 4 पीस इसमें डिब्बा भी है, उसमें मसाला बहुत ज़्यादा बच गया था तो वो चीज़ उसमें रख लेंगे, और मसाला तो कभी भी काम आता है घर में। चश्मा भी बहुत बेस्ट बेस्ट मिलता है, घड़ी भी है, सब 99 का ही। ये एप्पल वॉच है, देखिए एप्पल वॉच है 99, बढ़िया बढ़िया है सब कुछ। अभी चलेंगे घर पे, सामान ले लिए हैं, बस बिलिंग करा लेते हैं, उसके बाद से घर पे चलेंगे। ले लिए हैं जी, और चलिए चलते हैं। हाँ इधर से निकलेंगे, खुरहुरिया पकड़ के, ये लो, गिरने वाला रास्ता नहीं, इधर से आए हैं हम। अरे ऐसे बैठ जाओ, चलिए चलते। अभी इतना जंगल में से निकले हैं, पीछे जा रहे हैं, अभी आगे भी है जंगल। ये नहर है, हम लोग का जैसा है वैसे ही, लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा साफ सफाई है, साफ सफाई है, थोड़ा थोड़ा चमड़ा है, और जब थोड़ा पतला हो जाए। डर नहीं लग रहा है? मन कर रहा है दिल पर। हाँ हाँ, जो आज पापा को देखो, डर लग रहा है, डर के साला अजीब सा लग रहा है, डर आ रहा है कि रात में कोई आएगा नहीं, है ना? पहली बार हम आ रहे हैं इस रात में, घर के पास नहीं हो गए, अभी आ गए हैं घर पे दोस्तों, लाइट जल चुका है हमारा घर। पहले लेके आए हैं कि मार्केट से कुछ किन के खाना लिया, फ्री में एगो हजमोला मिला था, खाते आए ताकि इतना डाटा की चपड़ चपड़, चारों हाथ में, दोनों हाथ में सामान है और उसी में फोन दो दो रखे है, और उसी में चपड़ चपड़ चटर चटर खाते आ रहे हैं हजमोला, घर पे आए खा लेती अच्छे से। आ गए हैं नए वाले घर पे हम लोग छत पे, और ये चटाई लाए थे इसलिए अभी बिछा के बता रहे हैं इसीलिए, लेकिन चटाई मोटा नहीं है उतना पतला है, पकड़िए ना, लो ना पकड़े हैं जी, बिछाइए इस पे, आराम से ठंड का मौसम आने वाला है, छत पे आराम से इसे बिछा के, कोई भी गद्दा डाल देंगे आराम से, या फिर घर में भी बिछा के खाना वाना खाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, नीचे में आराम से खाना खाने के लिए सबसे बेस्ट है ना। हाँ मैं बहुत दिन से सोच रही थी मम्मी पापा को भेजूं। और क्या लाइए देखो, ये तो डिब्बा आप सबने वहां पर देखा, चार डिब्बा है आप लोग देखा छत वहाँ पर दिखाए थे, और कप को हमने खोल के नहीं देखा, तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। 99 रुपए में 12 कप है, तीन का तीन तीन छः तीन नौ, अरे चार तीन 12, तीन का तीन 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 छः, पहाड़ा पढ़ने लगे, बताइए दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे पहाड़ा पढ़ रही है। कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है का, कितना चाय कितना पिया जाता है ये? काफी कुछ ज्यादा छोटा नहीं, काफी बड़ा है। तो दिल्ली में थे तो दो कप हम मंगाए थे, इतना बड़ा बड़ा था, मानसिक पापा हम गटागट पीते थे। सही है ये, ऐसे में देखने में लाइटिंग पड़ रहा ना, देखिए ऐसा सही है। हाँ। चलिए तीन हम लोग परानी है, एक बाबा के लिए, चार कप बाहर निकाल देते हैं, है ना? और बाकी रख दो, बाकी रख दो। हाँ
तो यही तीन चीजें लिए थे दोस्तों, एक चटाई और एक डिब्बा जिसमें मसाला बहुत सारा बच गया है ना। अब उसको कल तो रखेंगे, हम सुखाएंगे फिर सुखा के उसमें रखते हैं। कि चंदा मामा कैसे बादल में छिप रहे हैं, हर तरफ बादल, उधर सनसेट हो गया है, काफी प्यारा लगता है हमारा यहाँ छत का ना। बहुत मेहनत से एक एक पाई जोड़ जोड़ के बनवाए हैं, अभी तक का टोटल कमाई इसमें लगाए हैं। कुछ भी एक होता है ना, काजल के लिए एक छोटा सा ज्वेलरी भी खरीद दूँ गोल्ड का या फिर कुछ भी, वो भी नहीं खरीदते हैं, बस एक छोटा सा मंगलसूत्र खरीदते हैं उस टाइम ना, वही 5-6-7-8 हज़ार का ना। सोचते हैं तो कभी कभी लगता है कि हमारा दुनिया ही ये घर है। हर इंसान का ना एक सपना होता है और उसका खुद मतलब का घर हो, घर हो। देखिए कितना प्यारा हमारा घर लगता है, इधर से एक लाइट जल रहा है ना, वहाँ वेफर लाइट जो लगाए हैं उसी का पूरा उजाला है इधर, और बाकी जगह देखिए अंधेरा हो गया है। तो क्या ही सुंदर दृश्य लग रहा है, पेड़ पौधा और उसमें हमारा छोटा सा घर, वहाँ लगा है बाइक हमारा रोड पे, एक किचन में भी लाइट लगाए हैं ना, इधर किचन नहीं बोल सकते, नलका बोल सकते हैं, कल के पास जहाँ पे पानी निकलता है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं और देखते हैं क्या खाने में बनाते हैं। वैसे नेक्स्ट ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर लेंगे और आगे वाले ब्लॉग में दिखेगा क्या क्या बनाते हैं खाने में, अभी तो कोई डिसाइड नहीं है। बाकी आप सब इस वीडियो को प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय।